अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अॼु जे हिन वीडियो में असां मुख़्तसिर नज़र विझंदासीं सिंध जे अज़ीम वतन परस शहीद हेमू कालाणीअ जी ज़िंदगीअ ते। अमर शहीद हेमू कालाणी सिंध जे अहम शहर सखर में पेसोमल कालाणीअ जे घर में 23 मार्च 1923 में जनम वरितो। इब्तदाई तालीम सखर जे हाई स्कूल मां हासिलु कई। सिंध जी आज़ादीअ जी तड़प संदसि सीने में नंढी वहीअ खां ई हुई। अंग्रेज़ साम्राज्य जी ग़ुलामी ऐं वधंदड़ ज़ुल्म बरबेरियत उन में वाधारो आंदो। हेमू कालाणी सिंध जो उहो बहादुर नौजवान हो जे अंग्रेज़ साम्राज्य ख़िलाफ़ जामन कालाणी ऐं ॿियनि नौजवाननि सां गॾिजी सिंध जी आज़ादीअ लाइ कोरेला वेड़ जो रस्तो इख़्तियारु कयो हो। उहो दौरु अंग्रेज़ हिंदुस्तान ख़ाली करियो वारी तहरीक जे उरूज वारो दौरु हुयो, जंहिं दौरान हिंदुस्तान अंदरि सुभाष चंद्र बोस ऐं भगत सिंह जी अॻुवाणीअ में अंग्रेज़ साम्राज्य ख़िलाफ़ गोरेला तर्ज़ जी वेड़ जारी हुई। त ॿिए तरफ़ सिंध में शहीद सिबकतुल्ला शाह राशिदी सूर्य बादशाह जी अॻुवाणीअ में हुर तहरीक ऐं जामुन कालाणी ऐं हेमू कालाणीअ जी अॻुवाणीअ में गोरेला तर्ज़ जी वेड़ जारी हुई ऐं उहे इनकलाबी तहरीकूं अंग्रेज़ साम्राज्य पारां बरे सगीर में लॻायल पहिरियूं मार्शला ख़िलाफ़ चैलेंज हुयूं। हिकु ॾींहुं हेमू कालाणी ऐं संदसि दोस्तनि खे ख़बर पई त 23 मार्च 1941 ते हिकु रेलगाॾी अंग्रेज़ फ़ौजियुनि ऐं हथियारनि सां भरिजी बलोचिस्तान वञे पई, जंहिं ज़रिए अंग्रेज़ बलोचन ऐं सिंध जे नौजवाननि खे कुचलियो वेंदो। त हिकदमि हेमू ऐं संदसि दोस्तनि उन रेल खे किराइण लाइ रोहिड़ी ऐं सखर रेलवे स्टेशन जे विच में पटड़ी उखेलण जे कम खे लॻी विया, जंहिंजी भणक फ़ौजी कारकुननि खे पई वई ऐं उन्हनि यकदमि उन्हनि नौजवाननि ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई, जंहिं दौरान हेमूअ जा समूरा दोस्त त ख़तरो ॾिसी मौक़े तां खिसकी विया। पर हेमू उन कम में एतिरो त रुधल हो जो हुन खे फ़ौजुनि जी कारवाईअ जो अहसासु ई न रहियो ऐं नेठि हू गिरफ़्तार थी वियो। खेसि 14 महीना सख़्तु सज़ाऊं ॾिनियूं वयूं ऐं ख़ासि ॿियनि साथियुनि जा नाला पुछिया विया, पर हिन कुझु बि न ॿुधायो। जंहिं खां पोइ हिन खे चयो वियो त तूं अंग्रेज़ सरकार खां माफ़ी वठि त असां तुंहिंजी सज़ा माफ़ु कराइण जी कोशिशि कंदासीं। पर सिंध जे हिन दिलेर ऐं अर्डे पुट माफ़ी वठण खां कुथो जवाबु ॾिनो ऐं नेठि सिंध जे हिन सूर में ऐं अमर किरदार खे 21 जनवरी 1943 ते सखर सेंट्रल जेल में फांसी ॾिनी वई।